हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे आप घर में ही थ्रेड यूज़ करके आपकी आईब्रोज को शेप दे सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, प्लक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस कर लेना होगा। आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने एक मोटा सा थ्रेड लिया है। यहाँ पर आपको नियर अबाउट 15 इंच का एक थ्रेड लेना है एंड उसमें इस तरह से नॉट लगाना है। उसके बाद आपको इसमें 10 to 15 पैच लगाना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको इसे इस तरह से प्रैक्टिस करना है, कैंची की तरह इसे चलाना है। ये आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आपकी स्किन पर इस तरीके से प्लेस करना है थ्रेड को, एंड कैंची की तरह अगर आप चलाएंगे तो आपकी जो हेयर है थ्रेडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो बहुत प्रैक्टिस हो गया, अभी रियल में करते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके का कोई भी थ्रेड लेना है जो घर में सेविंग के लिए यूज़ होती है। 15 इंच का थ्रेड लेना है, इस तरीके से नॉट लगाना है, इस तरीके से पैच लगाना है, एंड जहाँ पर भी आपकी हेयर है आप थ्रेड करना चाहो वहाँ पर आपको इसे यूज़ करना है। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मेरी जो आईब्रोज है आप देख सकते हैं उतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि लॉकडाउन होने से 2-3 दिन पहले ही आईब्रो ग्रूमिंग किया था एंड अभी उतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं हुई है। बट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आपकी जो आईब्रो की अपर लाइन है वहाँ पर आपको इस तरीके से थ्रेड को प्लेस करना होगा, एंड आपको ये जो पैच है एक तरफ बड़ा रखना है, एक तरफ छोटा रखना है। जिस तरफ बड़ा होगा उस तरफ आपकी जो हेयर्स है वो कवर करेगी, एंड उसके बाद जिस तरफ छोटा है उस तरफ से आपको इस तरह से इसे चलाना होगा, तो जो भी हेयर्स होगी वो कट होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं, वैसे तो मेरी यहाँ पर उतनी ज़्यादा आईब्रोज़ की हेयर नहीं है, बट नॉर्मल मेरी हेयर यहाँ पर है जो बहुत ही छोटी है, कैमरा में नज़र नहीं आ रही है, वही बस रिमूव हो रही है। तो आपको बस इसी तरीके से थोड़ी सी प्रैक्टिस करना होगा, इसी तरीके से आपको हेयर को प्लग करना होगा। ओके, अपर लाइन पर तो बहुत ही आसानी से फिर भी आप कर लेंगे, बट जो प्रॉब्लम होती है ब्राउ बोन एरिया पर, यहाँ पर स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा हेयर कवर नहीं करनी है, बस छोटी छोटी एरियाज़ लेना है। 4-5 हेयर को आप थ्रेड करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी केयरफुली आपको करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा हेयर नहीं है, तो मैं बस 4-5 हेयर यहाँ पर थ्रेड कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक हेयर है, इसे मैं थ्रेड करके आपको दिखा रही हूँ, एंड आप देख सकते हैं मैंने अभी बस 3-4 मिनट में ही कर लिया मेरी यहाँ पर आईब्रो शेप। थोड़ा जितनी भी हेयर थी मैंने शेप दे दिया। इसी तरीके से आपको आपकी फोरहेड पर, आप चाहे तो आपकी अपर लिप पर भी इसी तरीके से हेयर को थ्रेडिंग कर सकते हैं, एंड इट्स डन। गाइज, ये बहुत ही सिंपल है, जो करना है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से आपकी आईब्रोज़ को घर में ही शेप दे सकते हैं। एंड अभी लॉकडाउन है तो आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। सो या, दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझे फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।